लाइन में रहीं, तो लास्ट क्लास में जो हमारी कवि थी उन्होंने देव दिला थी, उसके लिए हमने अच्छा क्या के डिस्पोजल किड है, पीपन क्या थी डिस्पोजल से क्या रहा है, तो मुराद के दबा के ऐसे आप एक किनाम करें ऐसे कुछ तो बेस राइट। अब सिचुएशन है कि अब भी नहीं है कि बिजनेस है उस ऐसे को हाँ करें ऐसे को यू पर नेक्स्ट आफ्टर डेबिट ठीक है, उस पर हम लोग कहते हैं छोटी मोटी एग्जाम्पल हम शायद को नहीं परफेक्ट करेंगे से मैं तो थका रिवीजन करती हूँ। आपके पास जब डिस्पोजल होता है तो उसमें डब्बे नहीं क्या खा सकते हैं वो आपने ठीक है, उसको आपने क्रेडिट कर देना है जिस एसेट को आपने डिस्पोजल किया था की कॉस्ट है ठीक है, जब आपने खरीदा था तब कितने का अच्छा इंकर किया था ठीक है। ये करने के बाद अब आपने अपने पासबुक में इस एसेट रिलेटेड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपने किया, आपने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रिवर्ट करना है, उसको खत्म करना है, उस सब जो बैलेंस आ रहा होगा ड्रॉडाउन क्या है उसको भी आपने ग्लोब देखा ठीक है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओवरऑल नेचर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है एसेट के कॉस्ट के कम से और नेचर होता है उसका, उसको खत्म करने के लिए आप क्या करोगे उस एसेट का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करोगे और ये समझ सेट करके मैं भी बता रही हूं, और क्रेडिट को करेंगे हम क्रेडिट करेंगे डिस्पोजल का, तो हम एक नया अकाउंट खोल रहे हैं ठीक है, पार्ट वन में और सेकंड एंट्री में फर्स्ट एंट्री में दोनों में आपने क्या काम खुला डिस्पोजल का काम है और दोनों एंट्री आपने सर्व पोस्ट करनी, ये वाली फिगर क्या होगी इसको हम कहेंगे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल ठीक है। दो एसेट आपने डिस्पोजल ऑफ किया है उसकी टू बेस द रेट ऑफ डिस्पोजल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने कितनी पार्ट की थी, पार्ट के अगर हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट नहीं करें, इसमें हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल नहीं करें, हम क्या करें सिर्फ उस सबसे रिजिड जितना भी आपने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व बनाया था सिर्फ आपने वो खत्म करना है, जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पार्ट हो उसका वो बिल्कुल ठीक है उसको आपने रिवर्स नहीं करना ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐसी बात है मैं आपको एक सुपर एग्जांपल ना के आपको सिचुएशन बता देती हूं, वाइफ पर सिचुएशन होगी रिफंड आपने एसेट भेजा जब आपने एसेट भेजा तो आपको सैलरी का एसेट भी रिवर्स कर दी हूं, तो आपने एसेट भेजा तो आपको क्या हुआ सेल प्रोसीड मिली यानी कि कैश या बैंक का हुआ डेबिट और सैलरी वो डिस्पोजल अकाउंट प्लेस कर दोगे। अब देखो हमने वेनेस के देख लिया था कि हमारा डिस्पोजल अकाउंट वर्क किस तरह से रहेगा, अपने पास ये भी नोट कर लें कि अगर हमारे पास सिस्टम बनता है वो अकाउंट मेथड आपने उसमें ये बात करनी है तो अपने पास नोट कर लें ठीक है, ये कौन से होगी नेटबुक वैल्यू ऑफ एसेट एट डिस्पोजल क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा क्लियर हो जाएगा ठीक है। और आगे आपके पास सेल प्रोसीड वही डॉलर की बात होगी कैश या बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो वन अकाउंट मेथड में आपके पास सिर्फ दो डॉलर की बात होगी रिगार्डिंग सेल प्रोसीड एंड रिकॉग्निशन ऐसे, लेकिन क्योंकि ये इको अकाउंट में दो अकाउंट हो चुके हैं इसलिए साथ साथ बच्चों की ज्यादा करनी पड़ेगी वो नो कह रहे काफी यहाँ से मिल गया है
nunca vi. लेकिन आप उसको 2 साल इस्तेमाल करने के बाद ही बेच रहे, ठीक है? तो आई होप आपको ये होगी कि जरूरी नहीं है कि आपने यूजफुल लाइफ के आप में ही ऐसे को बेचना है। एक्चुअली मे बी ओल्ड ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ है, बट वही हो सकता है मशीन आप लोग हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपसे सीखने की यहाँ पे जैसे पर यूज कर एक है द मशीनरी वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 दिसंबर दैट मीन द इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी ना कि वह आप गिन लॉस निकाल सकते तो इस टेक्निक कैलकुलेटेड ठीक है इसको करें डिस्पोज ऑफ ऑन 4 रुपीज 1.4 मिलियन ठीक है 2 साल के बाद सपोज ₹1.4 मिलियन से सेल प्रोसीड तो हो गया है कि 2 साल के बाद ही आपने इस एसेट को क्या कर दिया बेच दिया ठीक है ये जो रेवेन्यू वैल्यू है ये एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड है एट द एंड ऑफ 10 इयर्स ये 10 साल के आखिर में क्या रेवेन्यू हमें मिलेगी ये हमने प्रेडिक्शन की होगी 1 जनवरी 2010 की बात है और 2 साल के बाद जिसमें आपको कैसे 1.4 मिलियन अब हमें करना क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे जी कैलकुलेशन करके सभी निकाल लें अब देखा आपको करना क्या है आपको कब यही रहना है कि एसेट की नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल उसको आपने कंपेयर करना है विद व्हाट विद सेल प्रोसीड्स है ना ये बात हमने एडिट भी दी थी अगर आप ये तो नेट बुक वैल्यू होती क्या है नेट बुक वैल्यू आपके आपके हिसाब से एसेट की वैल्यू क्या है और मार्केट के हिसाब से आपका एसेट की वैल्यू मिली कितनी इतनी पैसे मिले वो सेल प्रोसीड्स है अगर आपकी नेट बुक वैल्यू ज्यादा थी लेकिन सेल प्रोसीड्स आपको कम मिले आपका भी मूल्य हो गया है ना और जब अभी नेट बुक वैल्यू कम थी लेकिन आपको कहें पैसे आप मेरे बड़े खुश होंगे कि मेरा जब ज्यादा में बिका तो आप क्या करोगे हम गेन हो गए अब ये सवाल ये है तो ये पॉलिसी और रिपोर्शन पॉलिसी डज नॉट मैटर व्हाई डजंट मैटर टर्म ऑफ लिखें व्हाई डजंट मैटर क्योंकि आपका काम है 1 जनवरी 2010 है दिसंबर 31 को आपको डिस्पोजल हुआ है ब्रेक होल्डर होगी ब्रेक पोर्शन होगी कुछ बताने चाहिए इस वजह से मैंने आपको एंटन भी कहा लेकिन आगे बच्चों लिखे आगे जाके हाँ ये बता जरूरी है कि आप वैसे हाइड्रेशन बस किया ठीक है यहाँ पे आप यू करेंगे प्रोपोर्शन पॉलिसी प्रोपोर्शन पॉलिसी आप यू करें ठीक है आप यहाँ देखिए और अपने कमी है कि 2012 ठीक है अब उसके आगे आपने देखा है आपने कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है टाइम है डिप्रिस मेथड अब ये कहना है पहली डिप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी कौन सी आगे 31 दिसंबर 2010 की टाइम फिर दूसरी डिप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी कौन सी आएगी 31 दिसंबर 2000 सॉरी 3 साल का लिया ठीक है और तीसरी डिप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी पूरे साल 31 दिसंबर 2012 प्रोपोर्शनल पॉलिसी के अंदर चाहे उसने वाले यहाँ भी कि हमें कोई प्रोपोर्शनल पॉलिसी फॉलो करें ठीक है मैं अभी सिर्फ एग्जांपल बनाई है ताकि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर हमेशा मंडे को देखिए मैं कोशिश कर रही हूं मुझे सिंपल क्वेश्चन हमेशा मिल जाए क्योंकि तब ये इसमें अलग से कोई क्वेश्चन आया नहीं है ठीक है अभी ये लाइक करते हैं स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या है 1.5 मिलियन माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10 राइट और दो आंसर आएगा यही आपका आंसर 70 आएगा क्यों क्योंकि पहले साल 12 महीने की डिप्रिसिएशन चार्ज दूसरे साल ये कि पूरे आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है और हर साल ये हो रहा है यानी कि 1,35,000 तो 1,35,000 1,35,000 और 1,35,000 तो आपने डिप्रिसिएशन डिस्पोजल की डेटा टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा आपने 4,35,000 आपने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा टू डेट टू डेट क्या हो रहा है डिस्पोजल की डेटा हां जी क्या जगह के पास अनलिमिटेड डिप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 2012
आपको ठीक है, तो आपके पास 3,35,000 में यहाँ पे आ गया गेन ऑन डिपोजिट। तो मेरे ख्याल से 3,35,000 में 1,00,000 पहले उसमें आपसे गेन तक हो गया थी, अब उधर क्या यहाँ पे ठीक है। चल इसको तो हम दूसरी देर आते ठीक है, थोड़ी देर आते। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन भी बनते हैं ठीक है, यूजफुल लाइफ है वो भी हम 10 ईयर ही रहते हैं, रिजिवल वैल्यू भी हम वही 50,000 ही रहते हैं। चेंज क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वर्ष में क्या चल में चूज लेते हैं ठीक है, हम ले आते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब कहते हैं कि 1 मई 2010 ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो है उसको हम कहते हैं 31 अगस्त 2012 राइट। आपको कितना है रिक्वायर्ड, क्या है क्या के गेन लॉस ऑन डिस्पोजल यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड प्रोपोर्शनलिटी अज्यूमिंग सेल प्रोसीड टू बी 1 लाख रुपीज ठीक है। और हमारा कंपनी जो है वो भी है जनवरी 2 अब सबसे पहले क्या करना है, आपको नेटबुक वैल्यू निकालनी है कौन सी डेट है 31 अगस्त 2012 और फिर आपको देखना है कि क्या वो नेटबुक वैल्यू 1 मिलियन के ऊपर या 1 मिलियन से नीचे थी ठीक है। मोहन ने कहा क्या करते हैं वो ठीक है, तो जब 5 मिनट है कुछ लिख कर हम जब आंसर बताएं ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने अभी किया है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई तो ये मैं भी आपको खाली दो लोग कटिंग सुने कल ही क्वेश्चन मैं आपको ये दिया था लास्ट टाइम में, मैं बता गया आपका क्वेश्चन था एक वापस सपना था यूजिंग स्टेटलर मेथड इन दिस ब्लॉक ऑन स्कूल का था, ये आपके पास क्वेश्चन है एक मैंने सिंपल वर्किंग का क्या बता दिया कि वाला क्वेश्चन मैं रिमेंबर कर गया। एग्जांपल टू में आपका क्वेश्चन ये था और आपको इसमें प्रोपोर्शनल फंक्शन को यूज करना था, तो ये आपके पास सिचुएशन होगी मैंने 2 काम होगा तो मेथड से सॉल्व करके उसका गेन है लॉसेस उसने का है। तो जो लोग वार्ड सुन रहे हैं मैंने चेक करना है आपसे सिर्फ था कि डबल एटी मैंने बाकी है मैंने तो ब्रॉड डाउन लिया है फर्स्ट में 2011 से 31 दिसंबर 2011 कितनी एफिशिएंट नहीं हुई थी वो क्या लिया करते हैं आपने गाड़ी क्या क्रेडिट मैंने ब्रॉड डाउन लिया है एफिशिएंट 10.8 मंथ फिर फर्स्ट ऑल स्टार में हुए उसमें एफिशिएंट पर गई नहीं आपने सोचा किया रिवर्स ऑफ पे सबसे काम आप ये करना है कि 8 महीने आपको बताए हैं आज के साथ आपने की एफिशिएंट की रिकॉर्डिंग करनी फिर आपने इसको सोचिंग एरर आउट करने के बाद आपने क्या कहना है कि ये टोटल मंथ का 4.97 96.7 निकलती है वो मैं फिर अब आपको उसमें डेविएशन काम से निकालनी है। तो डेविएशन से निकलने के बाद आपने क्या करना है मशीनरी काम का प्रोग्राम है 1.5 इसको बदल जाएगा और डिस्पोजल काम कर देंगे डबल ये डबल भी पास की पास रिलेटेड और एक्युमुलेट डेविएशन से रिलेटेड वर्क क्लास होगा तुम रेट डेविएशन का करेंगे डेट रिवर्स करेंगे और डिस्पोजल काम का करेंगे क्रेडिट यहाँ पर जा रहा है कॉस्ट आंसर आ रहा है एक्युमुलेट डेविएशन इधर जा रहा है आपको मनी कर सकते हैं।
और मंडे को यहाँ की ब्याज और अप्रूवल से रिलेटेड भी वही है उनको देखेंगे और अनाकर राइटर जो है वो अपना आर्टिकल दिया है विद फोर्थ जनवरी से लेकर वीकेंड तक आपके पास आई है मैं आपको दूंगी एंड कैन टेल इट मी नहीं बस मैं चीट नहीं करनी आपने कोई भी देखना ये क्वेश्चन ऑनलाइन है और फिर उसके हिसाब से आनी है ठीक है चलिए शाम को मिलते हैं वेरी नाइस वीकेंड आफ्टर